सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। तो प्रथम सुमिर गिर जा सुबन श्री गणपते महाराज, मैं प्रथम मनाऊं आपको मेरे पूरण की जय काज। तो जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदेश, जय जय भारत भारती सु जय जय भारत देश। तो सीतापति श्री राम से विनती बारंबार, कृपा दृष्टि निक कीजियो मेरी ना भूल गई ओ पार। कि यहाँ कौन है हमारा, कि यहाँ कौन है हमारा, और मैं अपना किसे बना, मतलब का प्रभु तू ही, बिन मतलब का प्रभु तू ही, इसलिए मैं तुम्हें बुलाऊं। ये गाथा किसे सुनाऊं,
आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा एक अनुष्ठान को चलते हुए आज ये तृतीय दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल परीक्षित, हमारे आर्यावर्त देश भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने धर्म के कारण अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा, शरीर पे हजारों कष्ट से राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद इतने बड़े भगवान के भक्त हुए। दुनिया की स्त्री ये कहती है कि परमेश्वर मौत दे दे, लेकिन साथ नहीं है। मौत से बहुत बुरी छाती गलाती गलाती है, अच्छे कर्मों के करने से चलने प्रकाश हो जाता है। अगर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए आनंद से घर में रहो, भगवान का ध्यान करो। इतना कहने के बाद जब चले, लेकिन सुनीत ने कोई बात नहीं मानी, जिद ठान गई। और त्रिया हट कैसी होती है ये तो सब जानते हैं। हाँ, अगर मुंह से झूठ को निकल गई कि आज घरे जाए, हाँ तो जाए। अगर ज्यादा रोकोगे फिर भी रस्सी उठाती, अगर हाँ ऊन ना जाए तो ऊन जाए। जवाब दिया है महाराज, दूसरी शादी कर लीजिए। उत्तानपाद कहने लगे तो हम एक बार अपने मंत्रियों से सलाह लेंगे। मंत्रियों से जब पूछा है तो सबने एक ही बात कही, महाराज अगर तुम्हारी पत्नी कह रही है तो कर लीजिए दूसरी शादी। और तब कंचनपुर के महाराज जैनेन्द्र उनकी पुत्री स्वरची के साथ में शादी की। और शादी करने के बाद में जब दूल्हा दरवाजे पे आ गया, बड़ी रानी ने सुना है तो बड़ी खुशी, बहुत खुश। अरे विवाह कर नगर में आए, खुशी सब ने बनाई
दासी को पास बुला लिया और जवाब दिया है, बहन चली जा, दरवाजे पे मेरी छोटी बहन का डोला है और जाकर के बड़े सम्मान से बात करनी है, ऊंचे स्वर में आवाज नहीं करना, आ जाओ बुला करके लाओ। और दासी को पास में बुला करके समझाया है, बुला करके आंगन में लेकर के आओ। उसी समय जवाब दिया है, तुम्हारी बड़ी बहन आपका इंतजार कर रही है महलों में, डोला से कदम नीचे रखो, महलों में चलो। और जो ये बात सुनी तो जवाब दिया है दासी ने, दासी की बात सुनकर के सुरुचि कहने लगी, कौन बड़ी बहन, आ कौन बड़ी बहन, किसकी बात करने लगी तू, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। दासी बोली, क्यों चिल्ला रही है, महाराज उत्तानपाद की जो बड़ी बेबाता पत्नी है, अब तुम्हारी बहन नहीं हुई तो भाई कौन हुई, क्या कहा, इसका मतलब ये है कि घर में सोते, जब आप तो तुम कहा जानती कि मैं तुम्हारी नाम से ही घूमता, जब आप दिया अगर इसका मतलब घर में सोते हैं तो मैं डोला से कदम नीचे नहीं रखूंगी। मेरे महाराज कहाँ हैं, बुलाओ उन्हें, दो बात करनी है उनसे। और उसी समय दासी ने जाकर के उत्तानपाद को भेज दिया। सुरची कहने लगी, कहिए महाराज, घर में जब एक स्त्री थी तो काय को गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे, काय को बर्बाद किया तुमने हमारी जिंदगी को, अब बोल काय को नहीं रहे हो, बोलो ना, जवाब दीजिए मुझे। तुमसे पूछ रहे कि घर में जब एक स्त्री थी तो काय को दूसरी शादी की, बोलो ना, कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, अभी मेरी बात मानो, मेरे डोला को मेरे पिताजी के घर पे पहुंचाओ।
जवाब दिया है कि अगर घर में सोते हैं तो मैं कदम नीचे नहीं रखूंगी। और तब तक बड़ी रानी ने सुनाया तो भाग करके चली आई। जवाब दिया, बहन डोला से कदम नीचे रखो, महलों में चलो, यहां कब तक बैठी रहोगी। जवाब दिया है, महाराज क्या बो यही है? हाँ, तो इसका चेहरा साफ बता रहा है कि इसे तो दासी की जरूरत थी, और तुझे अगर दासी की जरूरत थी तो हमारी जिंदगी को बर्बाद काहे को किया। हम इसे कहती 10-20 दासियां तेरे दरवाजे पे भिजवा देती। तो जवाब दिया है सुनीत ने, बहन ऐसा तुम्हारा विचार है लेकिन मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, और ये घर तुम्हारा ही तो है, मेरा क्या है? मैं तो तेरी दासी बन करके पड़ी रहूंगी, दो रोटी देती रहना, तेरे बच्चे हो जाएंगे उन्हें खिलाती रहूंगी मैं। अरे दासी बन के रहो, सहेली में तेरी टहल बच्चे खिलाती रहूंगी, चाहिए तुझसे कुछ भी नहीं, किसी कोने में पड़ी रहूंगी, तू रानी बनकर के रह। और जो ये बात सुनी तो जवाब दिया, महाराज देख लिया अभी घर में घुस नहीं पाई हूं, इसकी नजर बच्चों तक पहुंच गई, अगर इसे बच्चा दे भी दिया पहले तो दूंगी नहीं, अगर इसने बच्चा ले भी लिया तो ये खिलाएगी नहीं, मार देगी उसे। यदि मैं इसको बच्चा दूंगी तो ये गलो घोटी खाई जावेगी, तुम को जहर पिलावेगी या हम को मारे हटावेगी, इसलिए मैं उस वृक्ष में पानी नहीं लगाऊंगी जिस पे कांटे आते हैं, अगर ये घर में रहेगी तब मैं कदम नहीं देने वाली, हम तो तब जा सकते हैं। अरे हम तब उतरे डोला से पहले जा सोते कुदे उसी समय सुनीत कहने लगी, महाराज
अगर इसकी यही शर्त है, यही मर्जी है, तो मेरे लिए खेतों पे एक झोपड़ी डलवाओ, मैं वहां चली जाऊंगी। और तानपाद कहने लगे, देख लिया सुनीत, ऐसे कहते हैं सौत, कितनी बार तुमसे मना किया लेकिन तुम्हारी बुद्धि में कोई बात नहीं आई। और महाराज जब तानपाद रोने लगे हैं तो सुनीत कहने लगी, महाराज रो काहे को रहे हो, जो सौत मेरी कहते हैं उसमें नहीं हमको उजर, एक सेरपति जो बहुत है मैं तो ताई में कर लूं गुजर, क्यों रो रहे हो पति मेरे, ये तो हमारो भाग्य है, एक बांस दे दो हाथ में खेतों में डारूं काग है, मैं चली जाऊंगी। एक शेर की बात कर रही है तो एक शेर जो मेरे लिए काफी है। और जो ये बात सुनी तो महाराज उत्तानपाद ने जंगल में एक झोपड़ी बनवाई, उसी में एक चाकी रखवा दी। चलने लगी है सुनीत निकल करके तो जवाब दिया, महाराज आज के बाद ये रानी नहीं बल्कि दासी है, और इससे कभी मिलने नहीं जाओगे आप। बोले ऐसे नहीं, पहले हमारी कसम खाओ मैं तब मानूंगी। तो महाराज उत्तानपाद ने कसम खाई, आज के बाद हम कभी नहीं जाएंगे। सुनीत जाकर के उसी झोपड़ी में रहने लगी, फिर बड़े आनंद से सुरुचि महलों में चली गई। और धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन सुरुचि के उधर से भी किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। तो एक दिन झोपड़ी में बैठी हुई सुनीत विचार कर रही है, परमेश्वर ऐसा लगता है दुनिया के सारे दुख हमारी झोली में डाल दिए तुमने, मैंने अपने महाराज का दूसरा विवाह करवाया लेकिन सोत के उधर से भी किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, मुझे कहां पता था कि क्या खबरी थी हमें, सोच रही है कि क्या खबर थी हमें, और एक बेटा जीवन मेरा अरे धूलिए हो जाएगा, क्या खबर पति की माए छुटी गई, तीसरा दुख की समति कहां ले, इसी गप में मेरा दम निकल जाएगा, क्या खबरी थी हमें, एक बेटा बिना बताया है। सज्जनों मेरा नाम सुनीत है, और पत्नी की बात कर रहे हो तो मैं उत्तानपाद की पत्नी है, और इस जंगल में मरने के लिए आई हूं। क्यों, कोई कष्ट है या फिर कोई मुसीबत है तो आप हमें बताओ, अब मर जाओगी तो दुख दूर थोड़ा ही हो जाएगा, क्या बात है। तो जवाब दिया है, भगवान तुम दुख पूछ रहे हो, ऐसा लगता है परमात्मा ने सारी दुनिया के दुख हमारी झोली में ही डाल दिए, हम समझे नहीं है। तो सुनीत बोली, मैं तुम्हें बता रही हूं,
सबसे पहला और सबसे बड़ा दुख तो एक ही है क्योंकि आज तक हमारे उधर से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। दूसरी बात यह है, हमने महाराज की दूसरी शादी कराई, मेरी सौत के उधर से भी बच्चा हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो मैंने यह विचार किया कि ऐसे जिंदगी से तो मर जाए तो भला है, और इसलिए मैं मरने के लिए आई हूं। तो नारद कहने लगे, सुनीत एक बात बताओ, क्या मर जाओगी तो तुम्हें पुत्र मिल जाएगा? बोलिए मिल जाए या न मिल जाए। नारद कहने लगे, मरो नहीं, हमारी बात मानो, तुम्हारे उधर से एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, ऐसा पुत्र पैदा होगा, जब तक ये सूरज और चांद रहेगा तब तक तुम्हारे पुत्र का नाम रहेगा। मेरी बात मानो बेटी। अरे तेरी गोदी में, तेरी गोदी में कुमर कलाई जाई, गोरी घर लौट जाई। वापस चली जाओ, तुम्हारे उधर से किसी बच्चे का जन्म होगा और ऐसा बच्चा जन्म लेगा जिसका तीनों लोकों में नाम होगा। सुनीत ने जब ये वचन सुने तो एक बात कही है, देखो बाबा जी, आज तक हम संत महात्माओं पे बड़ा विश्वास रखते थे, बड़ी आस्था थी उनके मन में, ये जान करके कि संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज हमें पता चला है कि महात्मा बड़ा लंबा झूठ बोलते हैं। तुम्हें ये कह रहे हो कि घर में संतान होगी कैसे? आंखों में आंसू भर के सुनीत कहने लगी है, महाराज आज बरसे सी नारद समझाते हैं, बेटी रो नहीं, तुम भगवान के ऊपर भरोसा रखो, संत की कही हुई बात पे विश्वास करो।
अगर कोई सच्चा संत अपने मुंह से कोई वाणी कहता है तो भगवान उसे पूर्ण करने के लिए विधि का विधान तोड़ देते हैं। मोर बचन चौपड़ी जाए फीका, पर संत बचन पत्थर की लीका। जाओ जाओ घर पे आनंद से रहना, भगवान का ध्यान करना, तुम्हारे घर में संतान होगी। और चली सुनीत, जवाब दिया, अगर बच्चे का जन्म हो जाए तो उसी बच्चे का नाम ध्रुव रख लेना। नारद की ये बात सुनकर के वापस चली आई, जाकर के उसी झोपड़ी में लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। मन में वही विचार है, परमात्मा वो दिन कौन सा होगा जब जरा सा बच्चा मेरी गोद में खेलेगा और हमें माँ कह करके बुलाएगा। बड़े विचार, बाबा जी कि लेट गई जब जाए रात भर नींद ना आई। उसी समय जाकर के लेट गई। धीरे धीरे महाराज, एक दिन उत्तानपाद जो थे अश्व पे सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। लौटने में उन्हें रात हो गई और रात के समय जब लौट करके आए हैं, दरवाजे पे खड़े खड़े आवाज लगाते रहे, सुरची दरवाजा खोलो, सुरची आवाज लगाते रहे। लेकिन रानी जो थी, रानी विक्रम, अरे सुख नींद सोई गई रानी, सवार होने के बाद आंगन में पहुंचे ही आवाज लगाते रहे, सुरची दरवाजा खोलो। और जब दरवाजा नहीं खोला, बड़ी रानी का ध्यान आया, जवाब दिया, अच्छा हुआ सो गई, सो जाओ, आज हम वहां जाएंगे। इसीलिए तो दो पत्नियां सही रहती हैं, एक रूठ जाए तो कोई चिंता नहीं। और उसी समय घोड़ा लेकर के पहुंचे हैं बड़ी रानी के पास, और जैसे ही घोड़े के पैरों की आवाज सुनी, झोपड़ी से बाहर निकले आए।
महाराज का हाथ पकड़ा और जवाब दिया, आज इधर कैसे चले आए आप? जवाब दिया है, जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए, देर से आए, आवाज लगाई, सुरची सो रही थी, फिर हम तुम्हारे पास चले आए। जवाब दिया, ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया, मेरी भी आंखें तरस गई थी तुम्हें बिना देखे, काफी समय जो हो गया। अंदर जब लेकर के गई, टूटी सी चारपाई पे बैठा लिया, बड़ा सम्मान किया, उत्तानपाद कहने लगे हैं, हमें भूख लगी है, क्या कुछ खाने में मिलेगा? तो सुनीत बोली, क्या रखा है, जोड़ की रोटियों के टुकड़े होंगे, वो तुम खा नहीं पाओगे। क्यों, तुम कैसे खाती हो? बोली, मेरी तो आदत बन गई है, तुम सुंदर भोजन करने वाले हो। उत्तानपाद कहते हैं, सुनीत नादान मत बनो, भूख में ये देखा ही नहीं जाता है कि भोजन कैसा है, बस पेट भर जाना चाहिए। वो कभी तो ये कहते हैं कि भगवान ने ये पेट ऐसा बना दिया, प्राणी चाहे कितना भी दुखी है, चाहे कितना भी खुशी है, लेकिन इसे भरो पहले, ये जरा भी अगर खाली रह जाए तो रात में नींद नहीं आती है। ये बड़ा स्वार्थी है, पैर टूट जाए कोई मतलब नहीं है, एक जगह बैठो लेकिन इसे भरो, हाथ नहीं है दूसरे के हाथ से खाओ इसे भरो, कोई मतलब नहीं है, आंखें फूट जाए बिल्कुल मत देखो लेकिन भरो इसे, अगर इसमें दर्द होने लगे तो पैर चलते नहीं है, हाथ पेट पे जाते हैं, आंखों से असुर आते हैं, यानी इसकी सबको चिंता है लेकिन इसे किसी की फिक्र नहीं है। ये बड़ा स्वार्थी मित्र बताया है इन सब अंगों का, कहते हैं वो कभी पेट क्यों बना, अगर ये पेट नहीं होता तो हमारी समझ में ये आता है कि फिर तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जो भी करता है इस पेट के लिए तो इंसान करता है, झूठ बोलता है, साहब की डांट सुनता है, घर छोड़ करके बाहर जाता है केवल इस पेट के लिए। अगर ये पेट नहीं होता तो हम काय को चिल्लाते, आराम से तरा उड़ के सोते है? नहीं होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी भूल इसमें यह है कि यह कभी भरता नहीं है। कितना भी समाज में सम्मान हो जाए, कितना भी प्राणी धनवान हो जाए, यह कभी नहीं भरता है।